सितम की इंतहा है कि तालीम को लोगों की दर्जा बंदी के लिए इस्तेमाल किया जाए। सारा ज़माना पागल हो गया, जो बड़े बड़े जहाँ मगरिब से हम बहुत एजुकेशन की थियोरीज लाते हैं, वो मैं आमतौर पर अंग्रेज़ी नहीं बोलती हूँ मगर मैं उनके लफ्ज़ दोहरा रही हूँ, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट इक्वलाइजिंग एजेंट। मेरे और आपके माशरे में इट इज़ द वर्स्ट एजेंट टू क्रिएट इनइक्वालिटी। गरीब का बच्चा, तौबा तौबा, स्कूल की इमारत, तौबा तौबा। आप लोग कमाल कर रहे हैं। वो जो सारे मुल्ला जिनकी आवाज़ बैठ गई चीख चीख के, जिहाद तो आप कर रहे हैं। हमें पैदा किया गया था कि हम एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करेंगे। आपके माशरे में हम एक दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। आप उस्ताद हैं और आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, आपको शायद यकीनन बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि उनके तहत शऊर में कहीं ये बात बैठी हुई है कि वो बीकन में या ग्रामर में या सिटी में या फलाने में या फलाने में नहीं पढ़ते। मुझे हमेशा बता के बेहद फ़ख्र होता है और परवरदिगार मेरे अपने अब्बा को अपने पास बहुत खुश रखे कि उनकी माश कुछ ऐसी थी कि हम कहीं भी जा के रह सकते थे। तो मेरे जो स्कूल का वक्त है, पाँचवीं से दसवीं तक का ख़ास तौर पर, वो एक छोटे से शहर के गवर्नमेंट स्कूल से शुरू हुआ और वो गवर्नमेंट स्कूल आज तक मेरी ज़िंदगी में कहीं आड़े नहीं आया है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जो आता है, सबसे पहले उन उस्तादों का हिस्सा था, बाकी की बात बारी बाद में आती है। दो लोग हैं जो माशरा बनाते हैं, कोई हमें मानता नहीं, एक माँ बाप और एक उस्ताद। मुझे ये महसूस होता है कि आज के माँ बाप औलाद से डरने लगे हैं। मेरी नस्ल की औलाद अपने माँ बाप से डरती थी। मेरे वालिद जब हमसे जुदा हुए तो मैं 50 से ऊपर की थी, लेकिन अगर उनकी आवाज़ में कभी खफगी होती थी तो मेरा दिल अंदर से कांपता था कि कहाँ गलती हो गई, क्या किया। और दूसरा, वो बहुत पुरलुत्फ आदमी थे, जब उन्हें गुस्सा आता था तो कहते थे कि साहबजादी साहिबा, अगर आपको फुर्सत हो तो ज़रा तशरीफ़ लाइएगा, समझ जाइए कि बैंड बाजा बजने वाला है। माँ बाप खौफ ज़दा हो गए, औलाद से कम खौफ ज़दा है ज़माने से ज़्यादा, क्योंकि ज़माने से खौफ ज़दा है इसलिए औलाद से खौफ ज़दा। क्यों डरते हैं? जो कुछ मिला है कस्बे कमाल को उनके अजीज़ जहाँ शबी, अपने कमाल में बेहतर होते जाओ, दुनिया में तुम अजीज़ तर होते जाओ। हर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के दरवाजे पर अंग्रेज़ ने लिखा था, हर कस कमाल कर्द अजीज़ जहाँ शवद, गवाही क्या दी कि जिस किसी ने कमाल किया अपने हुनर में, अपने इल्म में, वो दुनिया भर में अजीज़ हुआ, इस मुअज़्ज़ज़ हुआ, लोगों ने उसको चाहा, उसको सराहा। कस्बे कमाल गुन के अजीज़ जहाँ शवी, अपने कमाल में बेहतर हो जाओ, ये दुनिया तुम्हारी। अजीज़ के दोनों माने, मोहब्बत के भी और इज्जत के भी। मगर हमारे यहाँ कस्बे कमाल की गुजारिश ही नहीं रही, कस्बे सिफारिश, कस्बे रिश्वत, कस्बे रसूख, कस्बे बरादरी, कस्बे ज़ात, जो सिवाय बज़ाती के और कुछ नहीं सिखाते। तो जिहाद, आपको पता था कि ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ दुनिया की नादिर मछली मिलती है, जो और कहीं है नहीं। पता है किसी को कि वो मछली क्या है? नहीं, ट्राउट तो हम यूरोप से लाए। नहीं, और कोई बताना चाहे तो? सिर्फ पाकिस्तान में डॉल्फिन मिली मछली। नहीं मालूम किसी को? सिंघाड़ा तो जितने नाम है बोलते हैं सिंघाड़ा नहीं, पल्ला मछली है। पल्ला मछली है, दरियाए सिंध में होती है और दरियाए सिंध के उन हिस्सों में होती है जहाँ उसकी रफ्तार तेज़ है, जब वो समंदर के करीब हो रहा होता है। इसलिए सुबह जो रोहड़ी के बाद, और बल्कि बेहतरीन है कोटरी और हैदराबाद में, जहाँ पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है क्योंकि ढलवान पर है पानी समंदर में गिरने को। और उसकी खूबी क्या है पल्ला मछली की? कांटा एक होता है, कांटा एक होता है बड़ा। मछली का नहीं पता तो खूबी का नहीं होगा। वो पानी की मौज के खिलाफ तैरती है,
पानी उस तरफ ले जा रहा है, वो इस तरफ आ रहे हैं। चूंकि बेहद जद्दोजहद करती है ना स्ट्रॉन्ग, तो उसके गोश्त से ज्यादा लजीज कोई गोश्त नहीं है दुनिया। सुभान अल्लाह। पल्ला मछली पाकिस्तान के सिवा और कहीं नहीं होती, और वो भी दरियाए सिंध तो बहुत है। दरियाए सिंध में आप ऊपर देखें जब वो जेहलम तक पहुंचता है, उससे ऊपर जो है जिसे आप ट्राउट कह रहे हो नारान, और उस तरफ से आता है, फिर वहाँ शेर आती है। जब पानी उतना ठंडा नहीं रहता, पानी मैं आपसे बहुत मामूली बातें कर रही हूँ, मगर पानी का दर्जा हरारत मुतदल होता है तो वहाँ शेर होती है, गर्म होना शुरू होता है तो रोहू होती है, और जब वो बिल्कुल रफ्तार की तेज़ी की तरफ बढ़ता हो गर्म होता है तो वो पानी उधर जा रहा होता है, मछली इधर आ रही होती है। मौज के ख़िलाफ़ तैरना ज़िंदगी है जब आप अपना नाम बना सकते हैं। मौज के साथ तो हर कोई तैर लेता है, बिल्कुल सही। मौज के साथ तैरने में तो कोई देर नहीं लगती ना, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई तदबीर नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग पल्ला मछली हैं। मौज के ख़िलाफ़ तैर रहे हैं। कल भी मैंने एक साहब से कहा कि देखिए दो ही लोग बदनाम हैं, या इबलीस या आरिफा सैयद, और इबलीस की भी क्या हैसियत है जो आरिफा सैयद हैं, इसलिए मेरा पता नहीं जाना, मेरा निशान खुद कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि मसलहतों से ज़िंदगी एक सुस्त रफ्तारी से, खामोशी से तो गुजर जाती है, मगर मज़े से नहीं गुजरती। मसलहत में मज़ा नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारा वक्त दीवारों से सर फोड़ते रहिए, कुछ चीज़ें होती हैं उन पर बहुत आसानी से समझौता कर लेते, कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के साथ मिलकर जिंदा रहते हैं। लेकिन जब कोई उसूल की बात आए, कहीं कदरों की बात आए, कोई समझ आता। मैं आपको अपनी दीवानगी का किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मैंने ये टीवी पर भी सुनाया है और यकीनन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत दफ़ा बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स में इसको दोहरा चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुना तो मेरी दीवानगी का आपको यकीन हो जाएगा। मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक़, मैं उन्हें अपना महबूब कहती हूँ, उन्होंने एक अहले कलम कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये मार्च 1984 की बात है, मैं क़ब्ल मसीह की नस्ल से हूँ, याद रखिएगा। उसमें जो सही अहले कलम थे वो तो नहीं गए, वो तो हुक्म के पाबंद नहीं थे। मैं ना अहल ना कलम मेरे पास, मैं सिर्फ इसलिए भेजी गई कि मैं सरकार की नौकर थी, और उस वक्त इस्लामाबाद में कोई ये शानदार इमारतें नहीं थी, कन्वेंशन सेंटर ये वो कुछ भी नहीं, स्टेट बैंक का एक ऑडिटोरियम था, बल्कि असम्बली का इजलास भी उसी ऑडिटोरियम में हुआ करता था। वहाँ सदर साहब तशरीफ़ लाए और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर सिद्दीक़ हसन सालिक, उनकी एक किताब है प्रेशर कुकर, आप लोगों ने पढ़ी है? एक दफ़ा पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि क्या होता है, बाद में कभी मिली तो पूछूंगी कि आपको कैसी लगी। सदर साहब तशरीफ़ लाए, बड़ा ही चिकना और बड़ा ही कमीना आदमी था, एक जुल्म कर गया हमारे साथ जो उसकी फसल मैं और आप काट रहे हैं आज, जो वो बो के गए थे, नफ़रत की, तफरीक़े की, अदम बर्दाश्त की, कमतर की, बरतर की, पाकिस्तान को सुन्नी अक्सरियत का मुल्क बना देना, सब पाकिस्तान तो बना। कैसी अजीब बात है कि पाकिस्तान अक्लियत के लिए बना था, मुसलमान अक्लियत में थे और कायदे आज़म अक्लियतों के चैम्पियन कहलाते हैं, उन्होंने एक मुल्क बना दिया आज़ाद मुल्क, हमसे चंद फीसद गवारा नहीं होते। हमने क्या सीखा अपने अपने तजुर्बे से, हम भी तो आखिर अक्लियत थे ना। खैर, उसको साहिब सदर तशरीफ़ लाए, और जैसा कि आपको पता है नहमदुर अला रसूलिल्लाह, अरबी बहुत सारी, मैं उस दिन से अरबी से बिदक गई। हम लफ्ज़ बोलते हैं, मानी नहीं समझते, इसलिए वो हमारे दिल में नहीं उतरते। और उन्होंने कहा कि दो ही लोग वहाँ बैठे थे, जो उस्ताद और अदीब थे अलग अलग, या कुछ लोग ऐसे थे जो उस्ताद भी थे और अदीब भी थे। उन्होंने कहा मुझे उस्ताद और अदीब दोनों नापसंद हैं, ये तबका बड़ा ज़ालिम तबका है, ये सोचता है और बोलता, कैसे बड़े गुनाह है, फख्र कीजिएगा अपने गुनाहों पर। और उसके बाद एक लंबी ज़िल्लतनामा उन्होंने हमारे नाम पढ़ा। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे कुछ आता है, लेकिन मुझे कुछ सिखा दीजिए ना, बजाय इसके कि मुझे ये एहसास हो
कि मैं यहाँ गई हूँ और आप वहाँ गए, वो तो कुछ नहीं समझ में आया। उसके बाद ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक ने, जब उनकी कोई घंटा भर की तकरीर ख़त्म हुई, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक ने कहा कि ख़वातीन हज़रात, आप लोग साहिब सदर से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। उस वक्त ये सारी खूबसूरत किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो एक स्पीकर धोतू सा होता था, उसको इस तरह दरमियान में खड़ा कर देते थे और आप अपनी कतार में से निकल के जाएं और वहाँ खड़े हों। बाद में समझ में आया कि न सिर्फ ये कि आप पहचाने जाएं, बल्कि बहुत अच्छी तरह पता लगे कि आप थे कौन, जो वहाँ तक आए। मुझे खुशी है कि एक दीवाना हाथ वहाँ उठा के सवाल, हाँ खत्म, ज़रूर ज़रूर तशीफ लाए। मोहतरमा, खैर मोहतरमा वहाँ तक गई, मैं कि साहिब सदर, आपने इंतहाई अपने आलिमाना खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि आपको अदीब और उस्ताद दोनों नापसंद है। तो मैंने जिन अदीबों को पढ़ा और जिन उस्तादों ने मुझे पढ़ाया, तो मेरी समझ में ये आया कि अल्लाह अदीब है और रसूल उस्ताद, आपको दोनों नापसंद है। ये पूछिए कि मैं ज़िंदा क्यों। उसके बाद सदर साहब के चेहरे का रंग बदला सुबदला, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक की आंखें ऐसी थीं कि लगता था कि वो आदमी को अपनी आंखों से खा जाएंगे, हड़प कर लेंगे। वो फौरन आया, उन्होंने कहा कि साहिब सदर को कोई बहुत ज़रूरी काम है और उन्हें कहीं पहुंचना है, उनकी मसरूफियत है, सो आप लोग चाय के लिए तशरीफ़ ले चलिए। जब उसमें दो ही दरवाजे थे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, तो जब हम चाय के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। मैंने दिल में कहा कि आरिफ सैयद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिन्हें आना था वो आ गए। फिर कोई अपना चेहरा बिल्कुल मेरे कान, मैं इस बात का इतराफ़ नहीं, बीच में एक बात रह गई, मैं इस बात का इतराफ़ करती हूँ कि मैं वो सवाल पूछने के बाद पत्थर की हो गई थी। और हाल में अगर कभी मौत का सन्नाटा होगा तो वो सन्नाटा था। फिर किसी एक दीवाने ने एक ताली बजाई और उसके बाद पूरा हॉल खड़ा हो गया। मुझे लगता है 5 मिनट तालियां बजती रहीं, अहमद फराज कहते थे 10 मिनट बजती रहीं, मुझे नहीं, मगर बजती रहीं बजती रहीं बजती रहीं, हत्ता कि उन्होंने कहा कि सदर साहब की कोई मसरूफियत है, उन्हें कहीं वक्त पर पहुंचना है, तो आप लोग चाय के लिए तशरीफ़ ले चलिए। तो जब हम चाय के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, हाथ मेरे कंधे पर, मैंने अपने दिल में यही कहा था कि अरफ़सीदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक चेहरा मेरे कान के करीब आता और कहता, आरिफा कार पार्क में अकेली मत जाना, अहमद फराज, आवाज़ पहचानती थी, दोस्त थे बहुत अच्छे। अहमद फराज उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में काम करते थे। मेरा भाई उस वक्त सरकार में मुलाजिम था, गो कि वो गरीब उस वक्त नहीं था, वहाँ उसके दिल की सर्जरी थी, वो इंग्लैंड में था, मैं उसके पास गई हुई थी, थोड़े ही दिन पहले वापस आई थी जब सरकार ने मुझे ये खुतबा सुनने के लिए भेज दिया। सरकारी ड्राइवर उनका अकलमंद था, उसने कहा साहब घर की गाड़ी नहीं ले जाते, मैं दफ्तर की गाड़ी ले जाऊंगा, पार्किंग भी आसानी से मिलेगी हरी प्लेट पे और आगे भी आने देते हैं, वरना आपको बहुत दूर से चल के। तो मेरी खुशनसीबी थी वो गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी थी, जिसे कूद के बैठना कहते हैं। मैं उसमें कूद के बैठी और घर चली गई, भाई के घर में तो कोई था नहीं, उसके मुलाजिम, दरवाजे की घंटी बजती थी या टेलीफोन की, मैं सोचती थी आ गया आ गया आ गया आ गया। एक टेलीफोन मुसलसल 3 दफ़ा आया, मैंने नहीं उठाया। 4थी दफ़ा मेरे भाई का मुलाजिम था कबीर, वो आया, कहता आपा टेलीफोन बज रहा है, आपने सुना नहीं? मैं कहनी मैंने देखी, फिर बजा, मैंने कहा अच्छा तुम उठाओ। उसने उठाया और उसके वो एकदम से मुअद्दब हो गया, जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, ठीक। और फिर कहने लगा कि पापा आपा पापा बोल रहे हैं, पापा का फ़ोन। फिर मैं गई कि मेरे अब्बा कहने लगे कि तुम 3 दफ़ा पहले फ़ोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? एकदम मुझे खौफ था कि पता नहीं किसका फ़ोन होगा। उनकी आवाज़ रोंदी हुई थी, आंसू ज़्यादा थे, मगर मैं समझती हूँ कि वो शायद वाहिद वक्त था जो वो इतने ज़िंदगी में कभी जज्बाती हुए होंगे। और उन्होंने ये कह के फ़ोन बंद कर दिया, पहली बात ये कही कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, और दूसरी बात कही कि यू मेड मी सो प्राउड टुडे।